नमस्कार दोस्तों, त्योहारों का सीजन जमकर चल पड़ा है और साथ ही में अब चल पड़ेगी मिठाइयां भी। लेकिन बाहर की मिठाइयां नॉर्मली हम कितनी भी महंगे से महंगी लाए, फिर भी वो होती तो अनहाइजेनिक ही है, उससे हमको नुकसान ही होता है। तो उसकी जगह हम घर पर कोई ताजा चीज बनाए, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं तो कैसा रहेगा। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नई नवेली रेसिपी, गुलाबी गुलकंद मिल्क पुडिंग। फटाफट बनने वाली रेसिपी और स्वाद और सेहत से भरपूर। आइए बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, मैंने रख दिया है एक कढ़ाई में आधा किलो दूध गर्म होने के लिए। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट या नॉर्मल, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। और इसको अब हम आने देंगे एक उबाल। अभी जब तक दोस्तों हमारा दूध जो है वो उबलने लग रहा है, तब तक मैंने लिया है आधा कप दूध और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर। ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही हमें लेना है, कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर नहीं चलेगा। अब चम्मच की मदद से इसको हिलाकर बिल्कुल अच्छी तरह से इसको एकदम गट्ठे रहित घोल बना लेंगे। जब तक हमने घोल बनाया तब तक दूध जो है वो हमारा उबल चुका है। अब हमने ये जो घोल बना के रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम कर देंगे और स्पीड के साथ इसको तेजी के साथ चलाते रहेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, 10-12 सेकंड के अंदर ही ये जो मिश्रण है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम हमको बिल्कुल लो रखनी है। पुडिंग वाला मिश्रण कॉर्नफ्लोर की मदद से बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, पर हमने अभी इसमें कुछ मीठा तो डाला ही नहीं है। तो यहाँ पर हम डालेंगे मीठा, जैसा आपका पसंद हो उस तरह का रोज फ्लेवर सिरप। यहाँ पर आप लेफ्ट ओवर, आपके पास जो गर्मियों के बचे हुए सिरप हो वो यूज कर सकते हैं। रोज फ्लेवर जो आता है वही हमको इसमें डालना है। और अब एक बार लो फ्लेम पर ही इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब रोज सिरप जो है वो सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दोस्तों, तो हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में गुलकंद लेकर रखा था वो गुलकंद हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के, या फिर आपके पास आपने जितनी मात्रा में बनाया है पुडिंग उस हिसाब से इसमें डाल दीजिए। और इसको भी अब हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। गुलकंद जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसको हिला हिला कर 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। अभी जब तक हमारा मिश्रण जो था वो पक रहा है, तो मैंने लिया है एक बर्तन और उसमें मैंने लिया है थोड़ा सा बटर। और बटर को अब हम चारों ओर अच्छी तरह से लगा लेंगे बर्तन में, या फिर आप इसकी जगह घी है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप तेल यूज कर रहे हैं तो कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज करिए, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वाद और सुगंध ना हो। ऐसा आप कोई भी स्टील का या फिर एक बराबर कोई भी बर्तन हो, केक का टिन वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं। और उसे सबसे पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। पुडिंग का मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। फ्लेम जो है वो अब हम इस वक्त ऑफ कर देंगे। और हमने जो बर्तन जिसमें ग्रीस करके रखा था उसमें ये जो मिश्रण है सारा, वो पहले तो अच्छी तरह से इसको हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। सारा मिश्रण मैंने अच्छी तरह से इस बर्तन में डाल दिया है और इसका लेवल जो है वो बिल्कुल 1 बराबर कर दीजिए। और अब हम इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए ठंडा होने को छोड़ देंगे। पुडिंग का मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में पुडिंग को सेट करने के लिए रखने के बाद अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया है और अब हम इसको इस कटोरे से भी बाहर निकाल देंगे। कटोरे को मैंने प्लेट में उल्टा कर
हमारा ये जो पुडिंग है वो निकाल दिया है और ये जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल जेली की तरह बना है, एकदम हिलता रहे उस टाइप का। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और उसके लिए सबसे पहले तो जो गुलकंद हमने इसमें डाला था वही गुलकंद सबसे पहले तो इसके सेंटर में हम थोड़ा सा रख देंगे। सेंटर में गुलकंद को रखने के बाद चारों ओर हम इस पर बिछा देंगे बारीक कतरन करी हुई बादाम। आप अपने हिसाब से कोई भी मिक्स ड्राई फ्रूट जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। चारों ओर बादाम की कतरन बिछाने के बाद लास्ट में हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे पुदीने के कुछ पत्ते और एक से दो पत्ती गुलाब की, या फिर आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको और भी नया स्टाइल दे सकते हैं। पुडिंग हमारा गार्निश हो चुका है और खाने के लिए बिल्कुल रेडी। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, सबसे पहले तो इसको हम केक की तरह कट कर लेंगे और उसके बाद खाने के लिए सर्व कर लेंगे। बेहद डिलीशियस, बनने में आसान और जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल जेली की तरह स्मूथ है, खाने में बिल्कुल ही सॉफ्ट। हर एक छोटे बड़े मौके पर बनाइए, खुद भी खाइए औरों को भी खिलाइए। और गुलकंद के गुणों से भरपूर है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सिर्फ 3 चीजों से बनने वाली बेहद आसान सी रेसिपी, प्लीज मस्ट ट्राई। शुक्रिया।